बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर वर्ल्ड। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्पेलिंग प्रॉब्लम। अक्सर का डिग्रीज ऑब्जेक्टिव बनाते वक्त बच्चों को काफ़ी सारा स्पेलिंग की मुश्किल सामने आती है। उस मुश्किल का सामना करना पड़ता है वो क्या है कि कई बार बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि सर ये बताएं कि जब हम डिग्रीज बनाते हैं तो थोड़ा स्पेलिंग का डिफरेंस होता है। जैसे शॉर्ट की डिग्रीज बनाते हैं ER और EST उसके आगे लगाते हैं शॉर्ट और शॉर्टेस्ट, बिग की भी उसी तरह बनती है ER और EST लगाते हैं बिगर बिगेस्ट, लेकिन शॉर्ट में हम जो है आखिरी टी को डबल नहीं करते शॉर्ट और शॉर्टेस्ट बनाते वक्त, लेकिन बिगर बिगेस्ट बनाते वक्त हम क्या करते हैं जी को डबल कर देते हैं। इसकी रीज़न क्या है? तो उसकी रीज़न ये है कि जब कोई वर्ड कंसोनेंट अल्फ़ाबेट पे एंड हो रहा होता है और उससे पहले अगर वाउल आ जाता है, जैसे बिग जी पे एंड हो रहा है उससे पहले आई जो वो वाउल है, तो हमने उस वाउल की वजह से आखिरी अल्फ़ाबेट को डबल कर देना है। अगर लास्ट अल्फ़ाबेट जो है कंसोनेंट होगा, आखिरी अल्फ़ाबेट कंसोनेंट होगा और उससे पहले अगर वाउल नहीं है बल्कि कंसोनेंट ही है तो आखिरी जो अल्फ़ाबेट वो डबल नहीं होगा। शॉर्ट जो है उसमें आखिर पे टी है और टी से पहले आर है, इसलिए उसको हम डबल नहीं करेंगे। ये इसकी असल रीज़न है।